बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया और यहां के जंगलों में बीते 3 दिनों से आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। जंगल में लगी आग से एक बार फिर से वन संपदा, जंगली जानवरों समेत बड़ी संख्या में पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। सोनू सिंह है हमारे साथ इस खबर पर। सोनू, एक बार फिर से उत्तराखंड के जंगल आग से धधक रहे हैं और 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें की जा रही हैं। अभी कितना समय और लग सकता है, कहां कहां तक आग फैल चुकी है? देखिए शिल्पी, अभी काफी समय लगने की उम्मीद है। कोशिशें और दावा जरूर किया जा रहा है जो फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेकिन हकीकत में जिस रफ्तार में आग पर नियंत्रण पाया जाना था, उस रफ्तार से नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। आज की हम बात करें तो जो उत्तराखंड सरकार के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी डीएफओ से, जिले के जितने जिला स्तर के अधिकारी हैं उनकी बातचीत करेंगे। और ये बात भी कही जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो पहाड़ी परिवेश में पहाड़ों पर चढ़ना जानते हैं, पहाड़ों पर चढ़कर आग बुझाना जानते हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने का सुनिश्चित किया गया है। तो तमाम पहलू हैं जिनका दावा किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जहां तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, पहाड़ों का तापमान 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है, वहीं ऐसे में आग लगना बेशकीमती वन संपदा को खाक कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये हकीकत में कब तक जमीन पर नजर आते हैं। शुक्रिया सोनू इस पूरी जानकारी के लिए।